मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भौमिक पटेल फ्रॉम स्वामीनारायण गणपा गुरुकुल। जय श्री स्वामीनारायण। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 6 टिश्यू इन क्लास 9 इंग्लिश मीडियम साइंस टिश्यू। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट परमानेंट टिश्यू। सो वी विल स्टार्ट परमानेंट टिश्यू फ्रॉम दिस चैप्टर। वी हैव स्टडीड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और टेम्पररी, एंड दिस इज परमानेंट टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक के बाद में ग्रो होके परमानेंट बन जाते हैं। तो प्लांट में दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद जो सेल फॉर्म होते हैं उसका क्या होता है। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। बाद में उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है, फिर बाद में और डिवीजन सेल का होता नहीं है और वो एक परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज
some situations it consists chlorophyll. अगर इसके अंदर क्लोरोफिल हो ये डायरेक्ट कार्बन के अंदर तो उनको वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं क्लोरीन काइना। ठीक है, अगर वो क्लोरीन काइना क्लोरोफिल है उनके पास, सिंपल से बात है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो उनको क्लोरीन काइना बोलते हैं। इन एक्वाटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट। जो पानी में रहते हैं उसके अंदर लार्ज एयर कैविटीज होते हैं, मतलब इसीलिए वो पानी में लहराते हैं। ठीक है, तो लार्ज एयर कैविटीज उसके अंदर होती है। ठीक है, तो हेल्प देम फ्लोट, उनको फ्लोट करने में मदद करते हैं,
क्लेरेंटाइमा. इट इज टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. ये प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, मजबूत, हार्ड एंड मजबूत, क्योंकि उसके साथ उसको बाहर एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जीना है, इसलिए हार्ड एंड स्टिफ मजबूत. ठीक है. वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट. हस्क ऑफ कोकोनट को देखा है ना, कोकोनट के ऊपर का जो बाहर का छिलका. इसकी बात कर रहे हैं हस्क ऑफ कोकोनट. ठीक है. इट इज मेड ऑफ स्केलेटन मेड ऑफ टिश्यू. द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड. तो भाई कैसे होते हैं वो डेड टिश्यू, जो आपने देखे ना छोतरा नारियल ना. ओके. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन. भाई क्या होते हैं वो उनके नैरो लॉन्ग एंड नैरो. तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने परमानेंट टिश्यू पढ़े के परमानेंट टिश्यू में वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से परमानेंट बनते हैं. ठीक है. और वो अपना साइज शेप एंड फंक्शन परमानेंट कर लेते हैं. ठीक है. इसमें जो उसको प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसमें पेरेंटाइमा है मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है. अगर क्लोरोफिल हो तो क्लोरेंटाइमा फूड स्टोर करता है. यस, पेरेंटाइमा फूड स्टोर करता है. स्पेस ज्यादा होती है. क्लोरोफिल हो तो क्लोरेंटाइमा एयर इम्यूनिटी को एक्वाटिक प्लांट में एक्वाटिक प्लांट में एक्वाटिक मतलब वाटर में पाए जाते हैं. पेरेंटाइमा अगर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे तो क्लोरेंटाइमा. ठीक है. मैकेनिकल सपोर्ट देता है. ठीक है. लीफ स्टॉक लीडिंग होते हैं. एलोंगेटेड इरेगुलर फिंगर होते हैं. वेरी वेरी लेस इन प्रेजेंस केस होता है. स्केलेटाइमा लास्ट वाला जो डेड होता है. हार्ड एंडस्टी फर्स्ट ऑफ कोकोनट बनाया जाता है. लॉन्ग नैरो वॉल पे थिकर ड्यू लिग्निन का मटेरियल होता है. स्टेम एस्टर बंडल्स वेज ऑफ लीव्स हार्ड एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में ये पाए जाते हैं. हम अगले वीडियो में एपिडर्मिस के बारे में स्टडी करेंगे. एपिडर्मिस मतलब बाहर की जो वॉल होती है ना प्लांट की, जैसे हमारी ये चमड़ी है वैसे ही जो प्लांट्स की चमड़ी होती है उसके बारे में एपिडर्मिस के बारे में हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे. तब तक के वीडियो को देखें एंड लर्न कीजिए एंड ये परमानेंट टिश्यू के बारे में जानकारी लीजिए. बाय. फेस कॉम्बिनेंट.